नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में जो अपकमिंग फ्लीट्स है उसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई है जहां पे रशिया के FSMTC ने यह कंफर्म किया है कि इंडिया ने उनको तकरीबन 18 और SU-30MKI का प्रोक्योरमेंट के लिए मटेरियल प्रोवाइड करने को बोला है। तो जी हां दोस्तों, ये जो 18 SU-30MKI जो IAF रशिया से लेने वाली है, ये आपके जो भी जो 272 SU-30MKI थे जो ओरिजिनल डील के अंतर्गत थे और जिसमें से तकरीबन 12 हमारे क्रैश में क्षतिग्रस्त हो गए, तो ये जो 18 SU-30MKI है ये उन 12 एडिशनल SU-30MKI से अलग है। तो आप टोटल देखते हो, टोटल नंबर ऑफ SU-30MKI, तो IAF को तकरीबन अगले डेढ़ सालों में 30 SU-30MKI मिलने जा रहा है। और अगले डेढ़ साल में इसलिए बता रहा हूँ कि SU-30MKI का जो अभी प्रोडक्शन लाइन है वो एक्टिव है और वो अभी भी 21 MKI पर ईयर मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले डेढ़ साल में आपको ये सारे 30 के 30 MKI मिल जाएंगे। वहीं पे कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं कि इंडिया हो सकता है जो रशिया ने ऑफर किया था लास्ट मंथ कि वो तकरीबन 21 MiG-29 इंडिया को देंगे जो कि उनके अनयूज्ड MiG-29 है और एक लोअर प्राइस में देंगे। तो अगर ऐसा होता है और इंडिया उस 21 MiG-29 की तरफ जाती है तो उसको मिला के, और अभी हाल ही में चल रहे र्यूमर जो कि 36 और राफेल को लेके है और ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी तक इस 36 और राफेल को साइन कर लिया जाएगा, तो आप इन सभी को एड अप करते हो तो आपको 87 के अराउंड जेट्स अगले 2 से 3 सालों में मिलने जा रहा है। तो इसको लेके बहुत लोगों का मानना है कि अगर 36 और राफेल आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया MMRCA-2 को स्क्रैप कर दे। लेकिन बहुत से अनुमान ऐसे भी हैं कि ये जो 36 राफेल हैं ये MMRCA-2 से अलग हैं, और जिसका मतलब ये है कि MMRCA-2 और डिले हो सकता है। और सो ये जो 18 SU-30MKI है ये तो कंफर्म है, लेकिन इसको लेके कुछ लोगों का मानना ये है कि इन्हीं 18 में से तकरीबन 12 क्रैश्ड SU-30MKI हैं जो हमारे क्रैश हो गए थे और 6 और इन हैंड के रूप में हो सकता है। तो यही 18 में से 12+6 टोटल MKI इंडिया को मिलने वाला है। वहीं पे ऐसा हो सकता है कि इंडिया तकरीबन 40 राफेल और 27 MiG-29 के लिए जाए। तो ये भी एक तरह का एस्टिमेट है और इन दोनों एस्टिमेट में से ये पॉइंट तो क्लियर है कि जो आपका 18 MKI है उसके लिए इंडिया ने डिमांड की है। और इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि MMRCA-2 को स्क्रैप करके आप $4 से $5 बिलियन इन्वेस्ट करके 3600 राफेल ले लो, लेकिन जो भी आपके तकरीबन $10 बिलियन बचेंगे उसको आप इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके फास्ट ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह का सुझाव भी बुरा नहीं है, लेकिन जो एक मेजर कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक लंबे ड्यूरेशन तक इंडिया के जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से दूर रखा गया, तो उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हुए MMRCA-2 डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ऐसा देखा जा रहा था कि एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करेगा प्राइवेट फर्म्स के बीच में, यहाँ पे प्राइवेट फॉर्म उनको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा MMRCA के अंदर जो भी एयरक्राफ्ट साइन किए जाते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके। तो इस तरह के रोल के रूप में भी MMRCA-2 को देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट MMRCA-2 को स्क्रैप करने की सोचती है और अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट को फास्ट ट्रैक करने की सोचती है तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देनी होगी इस प्रोजेक्ट में जो भी इंडिजिनस है, आपके MCA या फिर Mk2 प्रोजेक्ट है, इन दोनों में, क्योंकि आप एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो कि $10 बिलियन से ऊपर का है। तो मेरी राय में अगर MMRCA-2 स्क्रैप भी हो जाता है और उसके एवज में हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि MMRCA-2 भी होगा और ये जो 36 राफेल है इसे भी एडिशन में खरीदा जा रहा है। सो ये 30 MKI का जो कन्फर्मेशन है वो कल ही आया है। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि अगर 36 राफेल और लिया जाता है तो ये MMRCA-2 होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो आप अपने रीजन दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।